मेजर ऑफ टेंडेंसी में हमने मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मीन से। मीन जो है जो आपके पास डेटा है उसका एवरेज निकालने को कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी थी। बार करना होता है और एक्स बार का फॉर्मूला ये होता है कि जितनी भी रीडिंग्स हैं उसको प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल मीन निकालने के लिए जो है आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सैंपल का मीन निकालना है तो उसको बार एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ अगर पॉपुलेशन का मीन निकाल रहे तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें नंबर ऑफ टोटल डेटा जो होगा वो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होगा। तो ये हमने कर लिया था। उसके बाद ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा भी आपको बता दिया गया था कि अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला ये है। इसमें आप अपनी जस्ट वीडियो जो आप है अपनी सारी डेटा की वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फिर ये आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा का फॉर्मूला है, समीशन एफ डॉट एक्स एम बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ डेटा या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और एक्स एम जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको जो है जो डेटा दिया गया था, ग्रुप डेटा आपको यहाँ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी अच्छा जी, इससे आपको मिड पॉइंट निकालना होगा। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 18। तो ये मिड पॉइंट इसका हो जाएगा 18। इसी तरह इन सब 20 प्लस 25.5 क्या आप मिड पॉइंट निकालेंगे, सारी वैल्यूज का आप मिड पॉइंट निकाल लेंगे। देन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे मिड पॉइंट से और आपके पास जो है एफ डॉट एक्स एम आ जाएगा 54। इसी तरह से सारी वैल्यूज की निकाल देंगे और फिर आपका आंसर टोटल सम ऑफ एफ डॉट एम एक्स जो आ जाएगा वो आप फॉर्मूला में डाल के उसकी मीन निकाल लेंगे ऑफ ग्रुप डेटा, ठीक है। तो ये तो मीन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी ग्रुप डेटा को आप किस तरह से कौन कौन से वेज से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक्स में पढ़ा था। सबसे पहले आ जाता है पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट आपको दिया हुआ है तो इट इज अ स्पेशल चार्ट दैट यूजेस द पाई स्लाइसेस टू शो रिलेटिव साइज ऑफ द डेटा, ठीक है। आपको एक डेटा दिया हुआ है उसको आपने जो है पाई फॉर्म में या पाई चार्ट में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ आपको एक एग्जांपल दी गई है। एक डेटा दिया हुआ है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। गिटार उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 35, वायलिन 10, रिकॉर्डर 15, ड्रम 5 दी हुई है, कीबोर्ड की जो है 25। तो टोटल इसका टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 90। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, जितनी जो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको, क्योंकि आपने प्रेजेंट करना है आपके पास ये जो डेटा है उसको आपने प्रेजेंट करना है एक सर्कल में। और अगर जो आप सर्कल जो होता है वो टोटल उसका जो पूरा एंगल जो होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो जो जो पूरा सर्कल होता है उसका जो ओवरऑल एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आप हर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई इट विद द 360, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल गिटार लिया जाए तो गिटार की फ्रीक्वेंसी है 35, इट इज डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी दैट इज 90 मल्टीप्लाई बाय 360, आपके पास आंसर आ जाएगा 140, ठीक है। तो यानी कि ये एक सर्कल में 140 का एंगल बनाएगा। इसी तरह से वॉयलिन की आपने निकाल लेनी है, रिकॉर्डर, ड्रम, कीबोर्ड और इस तरह से सबके निकाल लेंगे। इन सबका सम आप करेंगे तो ये अगेन 340 का एंगल 360 का एंगल बनाएगा। तो आपने सर्कल ले लेना है, इसमें एक मिड पॉइंट रख लेना है और एक आपने एक बेस लाइन बना लेनी है। बेस लाइन से आप फिर जो है उसका एंगल बनाते जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल गिटार का एंगल बना है 140 का, तो आपके पास जो डी स्केल होता है उससे उसे आप अपनी बेस लाइन पे रखकर 140 का एंगल बना दें। नेक्स्ट वॉयलिन 40 का एंगल बन जाएगा, फिर 60, 20 एंड 100, ये आपका जो है
पाई चार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द डेटा। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है एक डेटा मिला हुआ है और इससे आपको जो है हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम आपको बताया गया था, इट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बार्स हम यूज करते हैं और उससे हम जो है अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपको जो है ये डेटा मिला हुआ है, टाइम मिला हुआ है इन मिनट्स में, 20 to 25, 20 to 50 तक की रीडिंग मिली हुई है, उसको हमने जो है ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लिया है। इंटरवल्स बना दी हैं, 5-5 का इंटरवल बना दिया है 20 to 25 का, यानी इंटरवल मींस ये जो गैप जो आया है 20 to 25 का, 25 से 30 का, इन सब में आपको जो है 5-5 का गैप मिला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा नंबर, ये टाइम आपको मिला हुआ है, उसके बाद आपको मिला हुआ है नंबर ऑफ मशीन्स मिली हुई है, 20 to 25 मिनट्स में 3 मशीन्स सोल्ड आउट हुई हैं, उसके अलावा फिर 25 to 30 के दरमियान जो है 7 मशीन सोल्ड आउट हुई हैं, 32, इस तरह से ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ मशीन्स आ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जो है इंटरवल मिल गया। अब आपने इससे क्या करना है, ग्राफ में आपने 2 एक्सेस ले लेने हैं, आपके पास ये जो है एक्सेस आ गया, ये आपके पास जो है वाई एक्सेस आ गया, और इसका जो ये पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ज्वाइन हो रहे हैं, ये आपके पास जो है मिडिल पॉइंट या ओरिजिन कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो है एक एक्स एक्सेस पे अपनी रीडिंग ले लेंगे और दूसरी रीडिंग जो है आप अपने वाई एक्सेस पे ले लेंगे। तो एक्स एक्सेस पे हमने यहाँ पर टाइम ले लिया, क्योंकि हम टाइम जो हमने लिया है इसमें जो आपके पास इंटरवल आ रहा है 5-5 का इंटरवल आ रहा है, तो हम इसमें जो रीडिंग लेंगे वो 5-5 के गैप से लेंगे। ठीक है, तो 0 से आपने फर्स्ट रीडिंग 5 तक ले ली, फिर 5 to 10, 10 के बाद 15 20 25 30 35 40 45 50 and so on 50 55 तक आप लेकर। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मशीन्स अगर देखी जाए तो इसमें जो इंटरवल आ रहा है 3, 7, 11, 8, 5, 2, 2 and 3, तो इसमें हम एक एक का हम गैप ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 तक हमने जो है इसकी रीडिंग्स ले ली। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप अपना फर्स्ट क्लास आप देखेंगे, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 25, तो 20 आपका यहाँ आ रहा है, 20 से आपने जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी अप टू 3 तक। ठीक है, तो ये 3 आपका यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसी तरह से ये क्योंकि 20 से 25 तक जाया, तो 25 की भी जो है आपने लाइन ड्रॉ करके 3 तक ले गए, और ये लाइन जो है आपने आपस में ज्वाइन कर दी, तो ये आपके पास फर्स्ट बार आ गया। इसी तरह से फर्दर जो है आपके पास और रीडिंग्स आ जाएंगी। फर्दर नेक्स्ट आपके पास जो शुरू हो रही है 25 to 35 की आ रही है, तो वो फिर आप इसी तरह से बार्स बनाते जाएंगे, और ये आपके पास जो है पूरा बार्स का एक जो है आपके पास हिस्टोग्राम आ जाएगा। लेकिन इस नेक्स्ट आगे ये बोल रहा है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम, इसी तरह से आपने सारी रीडिंग्स का हिस्टोग्राम बना लिया, उसके बाद वो बोल रहा है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपके क्या करना है कि आपके पास ये जो बार बना था, इस बार में से जो है इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वहां आप जो हो ये इसका मिड पॉइंट आ गया, तो आपने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको मार्क कर दिया, इसके मिड पॉइंट को यहाँ मार्क कर दिया, ये आपके सारे मिडल पॉइंट आ गए, इनको आपने मार्क कर दिया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट्स भी जो है यहाँ आपके एक्स एक्सिस से ज्वाइन होने चाहिए। तो यहाँ जो आपने मिड पॉइंट लिया है 5 का गैप लिया है, तो यहाँ पर भी आपने 5 का गैप लेना है, लाइक 15 to 20, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और इस लाइन को यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से ज्वाइन करते करते ये आपका पूरा जो है एक पॉलीगॉन बन जाएगा। लास्ट में भी जो आपका लास्ट पॉइंट होगा उसको भी आपने एक्स एक्सिस के लास्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है, तो ये आपका जो है एक
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा एक ग्राफ बन गया विथ हिस्टोग्राम पॉलीगॉन, ठीक है। अब फर्दर ये कह रहा है फाइंड इट्स मीन, इसी वैल्यूज का ये जो आपको डेटा मिला हुआ है इसी का आपने जो है मीन निकालना है, क्योंकि आपको ये जो डेटा मिला हुआ है ये आपको ग्रुप डेटा मिला हुआ है। इट मीन्स आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मीन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ आ जाते हैं फिर, यहाँ आपके पास जो है वही सेम क्वेश्चन है, आपके पास 20 to 25 का इंटरवल दिया हुआ है टाइम में, नंबर ऑफ मशीन सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको मिली हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इस ये जो आपको डेटा मिला हुआ है इससे आपने जो है एक्स एम निकालना है, ये एक्स आई लिखा हुआ है, तो ये एक्स एम निकालेंगे आप, ठीक है। तो एक्स एम कैसे निकालते हैं कि आपके पास जो इंटरवल है उसको आप जो है 20 को प्लस कर देंगे 25 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22.5, यानी आपकी मिडिल वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2.5। फिर इसी तरह से इसकी 25 + 30 / 2 27.5, फिर इसकी आ जाएगी 32.5, 37.5, 40.5 एंड 47.5, ये आपकी मिडिल वैल्यू निकल गई। फिर आपका फॉर्मूला क्या कहता है, सबमिशन एफ डॉट एक्स एम, ठीक है। तो अब आपने क्या कर लेना है, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो मिडिल वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास आंसर आएगा 67.5। इसी तरह से सारी वैल्यूज निकाल के सम ऑफ एफ एक्स एम जो आएगा आपके पास वो आएगा 1225, उसको आपने फॉर्मूला में पुट करना है और आपका ये आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आप ये एक और हिस्टोग्राम की एग्जांपल है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं स्कैटर्ड प्लॉट, स्कैटर्ड भी जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, जिसमें क्या होगा कि आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस डेटा को आप जो है प्रेजेंट कर दो विद द हेल्प ऑफ डॉट्स, ठीक है। यहाँ आपको जो है दो रीडिंग्स, यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है जिसमें आपको आवर्स ऑफ स्टडिंग एंड एग्जाम स्कोर दिए हुए, ठीक है। तो अगेन ये भी आप जो है ग्राफ पे एक एक्स एक्सिस बनाओगे और एक वाई एक्सिस बनाओगे। एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वैल्यूज डाल देंगे, लिख देंगे इंडिपेंडेंट वैल्यूज हम जो है आवर्स ऑफ स्टडिंग कर देंगे, और यहाँ पर हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल्स या डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उनको करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कॉल किसको आ रहा है ये मैम? ओके, ये अपना माइक ऑफ कर दीजिए सर। ओके, तो यहाँ आपको डिपेंडेंट वैल्यूज और इंडिपेंडेंट वैल्यूज दे दिए, ठीक है। आवर्स ऑफ स्टडिंग आपने जो ले ली है वो डिपेंडेंट वैल्यूज है, ठीक है, लाइक 2, 4.5, 5, 5, 6, 3, 10, 9.5 एंड 10, ठीक है। तो अब आवर्स ऑफ स्टडिंग आपने यहाँ पर ले लिए 1 से लेकर 10 तक ले लिए। एक्स एक्सिस पे आपने एग्जाम स्कोर ले लिया है, फिर आप ये देखेंगे 2 पर आपके पास जो आवर्स, 2 आवर्स पे आपके पास जो रीडिंग आ रही है वो 53 आ रही है। तो ये आपने जो रीडिंग ली है 10, 20, 30, यानी 10-10 के गैप से ली है, और यहाँ पर जो आपने रीडिंग ली है वो 1-1 के गैप से ली है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 2 पर आपके पास 53 आ रहा है, तो 2 आपके पास 53 आ रहा है, तो 50 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आपने एक डॉट लगा दिया। इसके बाद 4.5 4.5 4 और 5 के दरमियान में आएगा, तो इसमें आएगी 35 पर रीडिंग आएगी, ये आपका 3 है, और 3 से थोड़ा सा ऊपर 30 और 40 के बीच में आपने एक डॉट लगा दिया। इसी तरह से 5 की एक रीडिंग जो आ रही है आपके पास वो आ रही है 91 पे, तो ये 100 और 90 के बीच में ये रीडिंग आ गई, ये डॉट आपने लगा दिया। उसके बाद 72 पे आ रहा है, तो 80 और 70 के बीच में आप यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह से
डॉट्स लगाकर जो है डेटा को प्रेजेंट करेंगे तो ये आपका जो है स्कैटर्ड प्लॉट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट मेथड्स हैं टू रिप्रेजेंट योर डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अब तक हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीन की बात कर रहे थे, नेक्स्ट जो है अब हम आ जाते हैं मीडियन पर। सो मीडियन भी क्या है, एवरेज, या आपकी जो डेटा है उसका एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, मीडियन, व्हेन अ डेटा इज ऑर्डर्ड इट इज कॉल्ड द डेटा अरे। मीडियन इज डिफाइंड एज द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा अरे एंड द सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट द मीडियन इज द एमडी। जैसे हम मीन निकाल रहे थे तो उसमें हम सिंबल जो यूज कर रहे थे एक्स बार यूज कर रहे थे, म्यू यूज कर रहे थे, और मीडियन को जब हम प्रेजेंट करेंगे तो एमडी उसका जो है उससे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो डेटा होगा सबसे पहले आपने क्या करना होगा, उस डेटा को अरेंज करना होगा। ठीक है, डेटा को आपने अरेंज करना होगा। डेटा अरेंज करने के लिए आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मींस कि आपके पास जो भी डेटा है उसको आपने जो है असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू से लेकर सबसे हाईएस्ट वैल्यू तक जो है उसको अरेंज कर देना, या फिर आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। सबसे पहले आप सबसे बड़ी वैल्यू लिख दोगे, उससे छोटी और सबसे लास्ट में आपके पास सबसे स्मॉल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, आर्मी रिक्रूट्स का जो है वेट दिया गया है 180, 201, 220, 191, 219। अब ये जो डेटा है ये आपको रॉ फॉर्म में दिया गया है, ये डेटा सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको जब आपने इसमें फाइंड द मीडियन, इसमें आपने मीडियन निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, अरेंज द डेटा। तो आपने इसको डेटा को पहले अरेंज कर लेना है। लेट्स सपोज हमने इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, तो सबसे कम वैल्यू जो है 180 है, देन उसके बाद 186, 191, 201, 209, 219 एंड 220 अरेंज कर लेना है। फिर अरेंज करके आपने जो है इसमें से सिलेक्ट कर लेना है आपकी मिडिल वैल्यू कौन सी आ रही है, सिलेक्ट द मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू अगर देखी जाए तो 201 आ रही है, इस साइड पर भी 3 वैल्यूज है, इस साइड पर भी 3 वैल्यूज है, तो आपके पास जो मिडिल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, या मीडियन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 201, जिसको आप एमडी से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन देयर इज एन इवन नंबर ऑफ द वैल्यू इन द सेट डेटा सेट द मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू। ठीक है, अगर आपके पास जो वैल्यूज हैं ऑड नंबर में है, टोटल वैल्यूज, अगर ये वाली, अगर ये डेटा देखा जाए तो वन, इसमें कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज है, तो इसमें हमने आसानी हो गई, हमने मिडिल वैल्यू जो है ये वाली ले ली, इस साइड पर भी आपकी 3 वैल्यूज आ गई, इस साइड पे भी 3 वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर मिडिल में 2 वैल्यूज आ जाए फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे, फिर आप उन दोनों वैल्यूज का एवरेज निकालोगे, और एवरेज में जो भी आपके पास नंबर आएगा वही आपका मिडिल वैल्यू होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको एक डेटा दिया गया है 173234, तो इसका आप हमने मीडियन निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसको अरेंज करोगे डेटा को, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर देते हैं, दैट इज 1 आ गया, 2 आ गया, 3 दो दफा आ रहा है तो 3 लिख दिया, फिर 4 एंड देन 7। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ आपके पास 6 वैल्यूज आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज आ रही है, तो मिडिल में आपकी 2 वैल्यूज आ रही हैं और साइड में भी 2-2 वैल्यूज आ रही हैं। तो जब आपके पास मिडिल में 2 वैल्यूज आ रही हैं तो फिर आप क्या करोगे, एवरेज ले लोगे, 3 + 3 / 2 लेंगे, और आंसर आपके पास जो आएगा वो 3 आएगा। तो आपका जो मीडियन यहाँ निकला वो क्या आएगा, 3। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको जो है डेटा फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे, फॉर अनग्रुप
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मीडियन बाय एग्जामिनिंग द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू लोकेट द मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो जब आपको अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा मिला हुआ होता है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, और फिर जब आपके पास क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो उस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपने मिडिल वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इफ एन इज द सैंपल साइज, तो जो टोटल आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपने कंप्यूट कर देना है बाय टू। ठीक है, उससे उसको आप टू से डिवाइड कर दें, एन अपॉन टू हो जाएगा उसका, डिवाइड हो जाएगा उसके लोकेट जो, फिर उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आप क्या करोगे, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसको फाइंड करोगे कि ये वैल्यू कहाँ फॉल करती है। ठीक है, तो उसको आपने जो है फर्दर उस पूरे डेटा को उस वाली वैल्यूज को लेते हुए अपने फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो है अनग्रुप डेटा आ गया, यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, डॉलेंस अप्लायंस दिए गए हैं, डिफरेंट डॉलेंस अप्लायंस दिए गए हैं और किस फ्रीक्वेंसी से ये सोल्ड आउट हुए हैं उस वो डेटा दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ डॉलेंस अप्लायंस जो है वन यहाँ दिए, 1, 2, 3, 4, 5, और पर आफ्टर सेवरल टाइम यानी 4 वीक्स के, 4 वीक्स में 1 सोल्ड हुआ है, 9 वीक्स में 2 सोल्ड हुए हैं, 6 में 3 और सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो आपके पास होता है स्मॉल एन से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज 24 आ जाएगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसी से आपने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, तो इसी से आपने जो है फ्रीक्वेंसी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वो कैसे होगी, आपके पास फ्रीक्वेंसी मिली हुई है 4, नेक्स्ट कॉलम आपने बनाना है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, 4 आपको फ्रीक्वेंसी मिली हुई है तो फर्स्ट क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 4 ही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 4 ही होगी। ठीक है, अब इसी ये 4 जो फ्रीक्वेंसी है इसको आपने 9 में प्लस कर देना है, तो 4 + 9 आपके पास आ जाएगा 13, फिर 13 + 6 आपके पास आ जाएगा 19, फिर 19 + 2 आपके पास आ जाएगा 21, देन 21 + 3 आपके पास आ जाएगा 24। इस तरह करके आपकी सारी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी निकल गई। तो लास्ट हमने लास्ट में टाइम क्या बताया था कि जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी उसको आपने कंप्यूट करना है बाय एन बाय टू से, और फिर एन बाय टू से जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फॉल करेगा और वो आपकी मिडिल वैल्यू होगी। तो यहाँ हमने क्या किया, एन जो हमारे पास आया वो आया 24 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12, 24 डिवाइड बाय 2 12 आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 12 जो है ये 12th वैल्यू जो होगी वो आपने क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये कहाँ फॉल कर रही है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 4 है, इसमें 12 फॉल नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 13 में, तो 13 में 12 फॉल कर सकता है, तो ये आपकी जो है मीडियन निकल जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी या ये जो आपका जो वैल्यू है ये आपका मीडियन कहलाएगा ऑफ अनग्रुप डेटा। ठीक है, लोकेट द पॉइंट वेयर 12 वैल्यू फॉल बिलो और दिस विल बी योर डेटा। फॉर द पर्पस वी नीड टू कंसीडर, सो 12th विल बी आपका जो सॉरी, तो आपकी वैल्यू मिडिल वैल्यू क्या आ गई या मीडियन क्या निकलेगा, वो 2 निकल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है तो इसका ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एमडी से आप मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू जो भी आपकी एन निकलेगा उसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से, माइनस सी एफ क्या है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी n अपॉन 2 से जो भी आपकी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी उस cf इज द क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इमीडिएटली प्रोसीडिंग द
मीडियन क्लास, ठीक है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें फॉल कर रही होगी उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी वो हम सी एफ से डिनोट करेंगे और वहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर एफ जो है आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो आपने आपकी मीडियन क्लास में जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर विड्थ जो आएगी वो जो आपका क्लास, वो जो इंटरवल है, वो जो विड्थ है आपकी उसको लिख देंगे। और एल एम जो है वो आपकी लोअर बाउंड्री ऑफ द मिडिल मीडियन क्लास, ठीक है। अब इसको जो है अगेन एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ आपको जो है एक डेटा दिया हुआ है, एक क्लास डेटा दिया हुआ है, उसमें रीडिंग ली गई है 15.5 से 20.5 तक, देन 20.5 से 25.5 तक, 25 से 30 तक, फिर 30.5 से 35 तक। अगेन इसमें देखा जाए तो 5-5 का गैप आ रहा है, तो विड्थ क्या हो गई आपकी 5 हो गई। फिर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है 5, 4, 3, 2, 1, और n से जो है टोटल फ्रीक्वेंसी जो है उससे रिप्रेजेंट किया हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी जो आई है आपके पास वो 17 आई है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से ही आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्या है, 3, तो फर्स्ट आपकी 3 ही रहेगी, देन 3 + 5 = क्या आ जाएगी 8, देन 8 + 4 आ जाएगी 12, देन 12 + 3 आपके पास आ जाएगी 15, 15 + 2 आपके पास आ जाएगी 17। तो इस तरह करके आपने सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है और फिर आपके पास ये जो फॉर्मूला है उसमें आपने पुट कर देना है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी आई है n इज इक्वल टू क्या आया है 17, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आपके पास आया 8.5। इसको राउंड ऑफ करके आपके पास जो डेटा आया वो आया 9, यानी 9th जिसमें जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 9th वैल्यू जो है फॉल करेगी वो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो फर्स्ट अगर देखा जाए तो 3 में आपका डेटा जो है आपकी ये 9th वैल्यू नहीं फॉल कर रही, सेकंड में अगर देखा जाए तो 8 तक है, तो 8th में भी जो है आपकी ये 9th वैल्यू फॉल नहीं करेगी। फिर जो थर्ड आपका आ जाता है वो आ जाता है 12, तो 12 में जो है आपकी ये वैल्यू फॉल कर सकती है। तो आप इस डेटा को या इस वैल्यूज को जो है अपनी फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या था, n अपॉन 2, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये आपका पूरा फॉर्मूला है, यहाँ पर आपने n अपॉन 2 यानी n जो था आपका 17 था डिवाइड बाय 2, ठीक है। उसके बाद -8, ये कहाँ से आया, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कि आपको बताई गई थी कि जो आपके पास डेटा होगा यानी आपकी 9th वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू में फॉल करिए, इससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी सी एफ कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमने सी एफ की वैल्यू 8 लिख दी है। उसके बाद आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई है 9th वैल्यू जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये ली है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो यहाँ आपने 4 लिख दिया। देन उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ विड्थ आपने लिख दी, ये जो आपको डेटा मिला हुआ था 25.5 से 35.5 का जो इंटरवल है या जो विड्थ है वो 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 5 आ गई, प्लस लोअर बाउंड्री ये जो आपकी क्लास बनी हुई है इसमें ये लोअर बाउंड्री है और ये आपकी अपर बाउंड्री है, तो ये लोअर क्लास बाउंड्री हम ले लेंगे और ये आप अपने जो है फॉर्मूला में ऐड कर देंगे। इसको प्लस करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे और आंसर लास्ट में आपका मीडियन वैल्यू जो निकल गई है इस डेटा की वो निकली है 26.125, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ग्रुप डेटा का मीडियन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं द मोड मीडियन से, नेक्स्ट आ जाते हैं मोड। तो मोड क्या है, मोड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अकर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा,
ठीक है, आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है, आपके पास एक डेटा मिला हुआ है, उसमें कोई एक वैल्यू बार 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 रिपीट हो रही है, तो वो जो है आपका मोड कहलाएगा। अजान ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद। बैक टू अ टॉपिक, ठीक है, तो मोड जो है इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ डेटा जिसमें आपको जो रीडिंग आपको बार बार रिपीट हो रही है उससे हम मोड कहेंगे। अ डेटा सेट इज सेट टू हैव नो मोड इफ ऑल वैल्यूज अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। इट इज पॉसिबल के कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन वन मोड हो सकता है, और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई डेटा प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ आपको एक डेटा दिया हुआ है, सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है, 8, 9, 9, 14, 8, 8, 10, ठीक है, ये आपको सारी डेटा दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो आपको डेटा दिया हुआ है उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में, असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में उसको सबसे पहले अरेंज कर लेना है। तो यहाँ हमने असेंडिंग फॉर्म में डेटा अरेंज किया है, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 6 है, 6 के बाद 7 दो बार आया है, फिर 8 आया है, फिर 9 3 टाइम्स आया है, फिर 10, 11, 13 एंड 14। तो अब इस डेटा को अरेंज करने के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो है 8, 8 लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो फिर आपके पास जो मोड निकलेगा इस डेटा का वो होगा 8, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से अगर ग्रुप फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में जो है आपको डेटा मिला हुआ है तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें किस तरह से आपको वैल्यूज मिली हुई है 15, 20, 25, 30 एंड 35। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 15 3 टाइम्स आया है, 20 5 टाइम्स आया है, 25 8 टाइम्स आया है, 30 3 टाइम्स आया है, और 35 जो है 2 टाइम्स आया है। तो जो वैल्यू ज्यादा बार आई हुई है वो आपका मोड कहलाएगा। तो यहाँ ऑब्वियसली 25 जो है 8 टाइम्स आया है, तो इस वजह से आपका मोड जो होगा वो 25 होगा। ये तो आपका अनग्रुप डेटा की एग्जांपल थी। अब ग्रुप डेटा की तरफ आ जाते हैं, तो अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा आपको मिला हुआ है तो उसमें सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालनी होगी, ठीक है। मॉडल क्लास किस तरह से निकालेंगे, मोड फॉर ग्रुप डेटा इज द मॉडल क्लास। द मॉडल क्लास इज द क्लास विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास क्या होगी, जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी मॉडल क्लास। समटाइम्स मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इज यूज्ड रादर देन बाउंड्रीज। तो यहाँ आपको अगेन एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है जहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए के साथ जो है डेटा को अरेंज किया हुआ है, और फिर साथ में फ्रीक्वेंसी बताई हुई है 15.5 से 20.5 तक, 20.5 से 25.5, देन 25.5 से 30, और इस तरह से 40.5 तक जो है आपको डेटा को अरेंज कर लिया गया, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, ठीक है। तो इस क्लास में जो थ्री टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो आई है, 3 आई है, 5, 7, 3 एंड 2। अगेन यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई है, जो फ्रीक्वेंसी आई है वो है 7। तो ये 7 जो होगी, ये आपका ये वाला जो डेटा होगा ये आपका मॉडल क्लास निकल जाएगी। सो दिस